कैसा नकली आदमी है अरे नेता का मतलब होता है पलटू राम झूठ बोलना एक लिमिट तक तो झूठ बोलोगे बीजेपी को गलत बोल रहा है बढ़िया है कांग्रेस को गलत भी बोलता है और उसके बाद कहता है भाई साहब बुरा तो नहीं लगा राहुल गांधी जी बुरा तो नहीं लगा बोले क्यों आपसे समर्थन भी चाहिए अबे पागल आदमी है सुबह गाली बकता है कांग्रेस वालों को शाम को बैठ के उनके साथ चाय पीता है इसने कहा था रामविलास पासवान मायावती अखिलेश यादव एनसीबी नेता शरद पवार इसने सत्रह चिरकुट पार्टियों के नाम गिनवाए थे सत्रह और आज उनके साथ बैठ के कौन आज उनके साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल चाय पी रहा है आज उनसे कह रहा है हमें समर्थन दो मोदी को हटाना है अरे मूर्ख व्यक्ति जब एक तरफ पानी पीने गधे घोड़े खच्चर चिरकुट इकट्ठे हो जाए तो समझ लो दूसरे वाले तालाब के कोने पे ना शेर आके खड़ा हो गया यह डर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा पर और कांग्रेस पर हमलावर बने हुए हैं चलिए भाजपा तो समझ में आता है परंतु एक और कांग्रेस से समर्थन मांगते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस को ही दे रहे हैं ये दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है 2024 के चुनाव से पहले इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद है सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल जय श्री राम जैन पत्रकार महोदय मैं दिल्ली का दीपक हर हर महादेव जय हिंदू राष्ट्र सत और जय हिंद जय हिंद और जय हिंद आपने जो सवाल पूछा है वो मैंने उसी टाइम सुन लिया है गिनिस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वालों को बोलो कि मेरी एक दरख्वास्त है अभी व्यक्ति की आज़ादी इस देश में कि वर्ल्ड का नंबर वन दोगला ऑफ द ईयर का अवार्ड अरविंद केजरीवाल को दिया जाए हाँ। ये व्यक्ति हाँ भाई साहब वर्ल्ड का नंबर वन दोगला आदमी है ये ऐसा बंदा है ऐसा बंदा है जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात ये ऐसा बंदा है एक तो बैंगन होता है इसने बैंगन की भी वैरायटी खराब कर दी है क्योंकि बैंगन कभी भी क्या होता है ना कभी इधर लुढ़क जाता है कभी इस थाली में चला जाता है इसने बैंगन की भी बेजती कर रखी है आज की डेट में कहना नहीं चाहिए जितना ब्रेकअप हो रहा है ना लोगों का जितना ब्रेकअप हो रहा है लोगों ब्रेकअप समझते हो मैंने कोई बात तो नहीं छोड़ी लोगों के हाथ बदल रहे हैं लोगों की सोच बदल रही है उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का आए दिन पार्टियों से ब्रेकअप होता है और आए दिन वो लिविंग रिलेशन में चला जाता है हाँ इस कमरे में घुसता है आम आदमी पार्टी वाला उस कमरे से बाहर निकलता है उसके पास इतनी स्वतंत्रता है इतनी स्वतंत्रता है खुद ही गवाह है खुद ही जज है खुद ही वकील है और खुद ही कहता है मैं भाई भी हो गया अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं एक तरफ कहता है लोकतंत्र खतरे में है एक तरफ क्या कहता है लोकतंत्र खतरे में है एक तरफ लोगों के ऊपर आरोप लगाता है अपने मंत्रियों को नहीं बताता हमारे मंत्री को बोलता है कि शिक्षा मंत्री जो है उसने दिल्ली को बढ़िया कर दिया शिक्षा मंत्री ने दिल्ली को इतना बढ़िया कर दिया कि एक हाथ में किताब है और एक हाथ में शराब है एक हाथ में किताब और एक हाथ में शराब दसवीं और बारहवीं का स्टूडेंट कहता है कि दिल्ली में सब सब सबसे सस्ती दारू मिलती है एक सौ रुपए की बोतल मिलती है क्वार्टर मैं पीता नहीं हूं तुम्हें बता रहा हूं तुम किलसो मत मतलब दिल्ली भाई मैं तो कह रहा हूं इसको एक हजार रुपये लीटर कर दो और इस बंदे का इतना खौफ नहीं है इतना खौफ नहीं है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं ये वही व्यक्ति है जिसने जंतर मंतर में रामलीला ग्राउंड में बताया अपने आप को कि मैं अनिल कपूर हूं अनिल कपूर।, कपूर और भगवान की कसम वो व्यक्ति स्वर्गों में है अम्बरीशपुरी ये अमरीशपुरी से भी गया गुजरा निकला है अच्छा। अम्बरीशपुरी के अंदर द्वेष था मगर यार इतना झूठा आदमी केजरीवाल है अबे तूने क्या खाया था पैदा होते ही बे क्या कौन सा आम खा लिया था तूने अरे ओवैसी के बगीचे का आम खा के पैदा हुआ है क्या कैसा नकली आदमी है अरे नेता का मतलब होता है पलटू राम झूठ बोलना एक लिमिट तक तो झूठ बोलोगे बीजेपी को गलत बोल रहा है बढ़िया है कांग्रेस को गलत भी बोलता है और उसके बाद कहता है भाई साहब बुरा तो नहीं लगा राहुल गांधी जी बुरा तो नहीं लगा बोले क्यों आपसे समर्थन भी चाहिए अबे पागल आदमी है सुबह गाली बकता है कांग्रेस वालों को शाम को बैठ के उनके साथ चाय पीता है इसने कहा था रामविलास पासवान मायावती अखिलेश यादव एनसीपी नेता शरद पवार इसने सत्रह चिरकुट पार्टियों के नाम गिनवाए थे सत्रह और आज उनके साथ बैठ के कौन आज उनके साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल चाय पी रहा है आज उनसे कह रहा है हमें समर्थन दो मोदी को हटाना है अरे मूर्ख व्यक्ति जब एक तरफ पानी पीने गधे, घोड़े खच्चर चिरकुट इकट्ठे हो जाए तो समझ लो दूसरे वाले तालाब के कोने पे ना शेर आके खड़ा हो गया ये डर है भाई साहब कुमार विश्वास आप एक सर्वे कर लो कुमार विश्वास की छवि ना किसी से भी पूछ लो कैसी है जिसने वो गाया कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मैं तो इसके लिए कहूँगा कुमार विश्वास एक शहरी बनाए कि कोई झूठा कहता है और कोई केजरीवाल को चिरकुट समझता है मतलब दिल्ली की जनता भाई दिल्ली की जनता तो एक रेड जनता भाई दिल्ली की जनता को तो शीशा दिखाओ हर गेट के बाहर एक शीशा लगा दो अरे जब तुम्हारे को दिख रहा है ये दारू पिला रहा है भाई एक के साथ एक दारू कहां करी है पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं करी जब तुम्हारे को दिख रहा है इसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है जब तुम्हारे को दिख रहा है इसकी भाई साहब संडास में हाथ धोने का साबुन नहीं है सरकारी अस्पताल में जाके पता कर लो तुम कहोगे ना दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया है साला मरीज जाता है संडास कर कर आता है उसी हाथ से डॉक्टर को फाइल पकड़ा देता है हैजा फैल जाएगा मेरे को जनता ने ताज पहनाया है दिल्ली का कभी कहता है कौन है एल जी एल जी कौन है तेरे को मालूम नहीं है तू पढ़ा लिखा है तू मोदी जी को बोलता है कौन है एल जी बोलता है एल जी टीवी के बारे में बात कर रहा है क्या तू कौन है एल जी कभी तो कहता है एल जी कौन है दो दिन बाद एल जी के बराबर में बैठ के चाय पी रहा है कह रहा है सर मेरे मुझसे कुछ गलत तो नहीं निकल गया था बोले क्यों मैं टी आर पी के लिए कर रहा था बहुत दिन से चैनल पे लिया आया अब पागल आदमी है भाई साहब भाई साहब मैं भी एल जी के बगल में बैठ के रोज चाय पीता हूँ मेरा घर पीता है एल जी फ्रिज की तो नहीं बात कर रहे हो वो अरे यार तुम ज्यादा कॉमेडी करोगे यार वो मुद्दा बदल जाएगा फिर मैं भूल जाऊंगा ये लोग यही तो चाहते हैं कौन से LG की बात कर रहे हो अरे लेफ्टिनेंट अच्छा, जो दिल्ली की जनता को एक एक के साथ एक दारू पिला करके लोगों को फिर तो वो मुख्यमंत्री एल जी को भाई साहब सुनो भाई साहब देखो सुनो मैं एल जी एल जी कर रहे थे ना तो मेरे घर में एल जी का फ्रिज है डबल डोर है ठीक है मैं समझ रहा हूँ उस एल जी की बात कर रहे हो तो भैया मैं भी किसी से कम में भी एल जी के साथ ही चाय पी हु और बाकी हमारे भाई नहीं नहीं बढ़िया आदमी है देखो ऐसे में क्या मैं मुद्दा भूल जाऊंगा ना इस बारे तो भैया देखो केजरीवाल निहायती नकली आदमी है भगवान ना करे पहली बात तो भगवान करेगा नहीं कि मेरा राम बहुत बढ़िया है मैं जानता हूँ मेरा क्या हमारा ये तो पार्टी वालों के चक्कर में बुढ़वा तुम लोग राम को भी बांट दिया तुम लोगों ने भगवान राम ने सिर्फ दिल्ली का ठेका दिया केजरीवाल को पता क्यों यहाँ के लोगों के अंदर ना मतलब महिलाओं ने देखा बस में फ्री में घुमाएगा हेलो बहन कहाँ है अरे केजरीवाल ने बस फ्री कर दी चल जल्दी आ जा भाई क्या फायदा उसका आदमियों को करो ना आदमी काम धंधे पे निकलता है मतलब मैं इधर वीडियो नहीं दिखा सकता भैया इधर मत घुमाना कैमरा इन लोग इतने खुश होंगे ना इस वैसे तीन चार जने ऐसे हैं जो पूरे दिन बस में सफर करेंगे जो टैक्सी में घूम रहे हैं महिलाओं से ज़्यादा सुविधा चाहिए जेंट्स को जो रोजगार के लिए भाग करता है इसने पता क्या फ्री करा औरतों को बस और आदमियों को दारू अगर ये एक रिफाइंड की थैली भी फ्री कर देता ना भाई साहब तो मैं इसको बोलता अरविंद केजरीवाल बढ़िया है और भैया एक बार ऊपर दिखाओ कैमरा अगर तुम्हारा कैमरा हिलता है एक बार ऊपर दिखाओ स्वर्गों में स्वर्गों में श्री शीला दीक्षित जी आज भी जहाँ खड़े हैं ना चाहे वो कांग्रेस की है दिल्ली में जितनी भी स्वास्थ्य सुविधा है शिक्षा सुविधा है और जो विकास हुआ है वो श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की देन है और इसने शीला दीक्षित को गुमराह करा आज वो बेचारी स्वर्गों में है और अन्ना हजारे तो रो रहा है अन्ना हजारे कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को कह दिया मेरा पैर दबा इसने पैर दबाते दबाते में कंधे पे चढ़ गया और कंधे पे चढ़ने के बाद ऐसी छलांग मारी ऐसी छलांग मारी कि इससे दोगला और पलटू राम आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है भाई साहब अरे चौथी फेल तू मोदी जी को बता रहा है मोदी जी के ना वो न्यू पापा गुनी वो क्या नाम है जगह का हाँ पप्पू अरे पापा न्यू गिनी बोलो ना क्यों बोल रहे बोला पप्पू बेचारे को तो मुख्यमंत्री तो दे, प्रधानमंत्री देश का वो पैर छू रहा है आपने आज तक किसी वीडियो में ये देखा हो कि इसने ढंग से पूजा पाठ करी हो आज तक कभी तुमने ये देखा हो कि इसके मन से राम राम निकली हो है बताओ ना इसके मन से कभी कोई काम हुआ ही नहीं है आज तक तो भैया मैं सिर्फ दिल्ली की जनता को यही कहूंगा कि तुम निर्दलीय जिता दो किसी को बीजेपी को भी मत जिताओ चलो मैं खुश हूँ हाँ। तुम्हारे को लग रहा है तो निर्दलीय किसी को जिता दो मगर ये जितना गंदा भ्रष्ट हाँ। इसके चक्कर में ना एक नेता टावर पर चढ़ गया था हाँ, जो कह रहा है मेरे को टिकट नहीं दी अपना पार में शाहरा में वो टावर पर चढ़ गया और उसने भाव भी बता दिए ये कहता था दुनिया का नंबर वन ईमानदार हूँ और इसने जो पंजाब में बंदा पकड़ा है जो पंजाब का मुख्यमंत्री है हाँ वो भगवंत मान जो भी है मगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वीआईपी कल्चर खत्म करते करते में उसकी सिक्योरिटी हटा के सिद्धू मूसे वाला चिन्हित हो गया और वो कौन है वो कॉमेडियन है उससे खड़ा तो हुआ नहीं जाता कैसे खड़ा होता है ये कौन सा तरीका भाई मुख्यमंत्री तो दूर से दिखता है खड़ा हुआ योगी आता है ना भाई साहब अलग ही एक लहर होती है हैं ये चप्पल पहनता है रिलैक्स होगी उससे बढ़िया जूते तो तुमने पहन रखे इन भाइयों ने जूते चप्पल बढ़िया पहन रखे हैं क्या दिखाना चाहता है ये

आठ लाख का पर्दा अच्छा कपड़ा कहाँ मिलता है यार वो आठ लाख के पर्दे वाला वो तो बताया नहीं उन्होंने यार कपड़ा कितना महंगा होगा यार वो पता है वो कपड़ा भी जो झूठों का सरदार होगा उसने बेचा होगा अरे दुनिया का आखिरी कपड़ा था क्या वो पर्दे का आठ लाख का कपड़ा टाइले लगवा रहा है तो वो मेन म्यांमार से टाइले मंगवा रहा है दिल्ली पुलिस दे दो बुड़वक ये बेकार आदमी नकली आदमी इसको ज़्यादा टीआरपी मत दो ये जरूर है 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा आएगा हाँ दिल्ली की जनता है Premises, दिल्ली की जनता का कोई पता नहीं बीजेपी का, का ना आने का मुख्य कारण है कि बीजेपी के पास कोई दिल्ली में चेहरा नहीं है और है तो आगे लाती नहीं है और दिल्ली दिल्ली की दिल्ली में बीजेपी गुटबाजी में मारी जा रही है नहीं तो इनको टक्कर देने वाला एक ही व्यक्ति है वो है बीजेपी जैसे भारत में मोदी का कोई विकल्प नहीं है वैसे दिल्ली में भी केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं है चाहे नकली आदमी है ये भी डाल लो साथ में तो भैया केजरीवाल ऐसा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं गुरु का ये सगा नहीं क्या दोस्त का ये सगा नहीं अरे वो बेचारा अन्ना हजारे पापे फैन भिजवा दे थोड़ी दवाई भिजवा दे उसको अन्ना हजारे को उसको पूछता भी नहीं है अरे यार अन्ना हजारे का क्या दोस्त था मेरे ही से नाम सुना होगा बहुत दिन बाद अन्ना हजारे का भी आप लोगों ने है हमें स्वराज चाहिए केजरीवाल दुनिया का महा झूठा और चिरकुट आदमी है